जबलपुर के सीमन वलकर ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मिलकर गोहलपुर क्षेत्र के अहमदनगर एवं सूजी मोहल्ला में कम्बल बांटने का आयोजन किया। समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर एकता का प्रतीक को देखते हुए सभी धर्मों के सदस्यों को कम्बलों का वितरण किया एवं समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर जरूरतमंदों को राशन किट, फूड किट एवं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप आदि जरूरती सामानों की भी सहायता प्रदान की है। ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर अहमद शाह ने बताया कि हम पहले भी मदद करते थे और आगे भी भविष्य में ऐसे ही मदद करते रहेंगे। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने आज जबलपुर के ग्राम गुर्दा, सूजी मोहल्ला और अहमदनगर में 100 कंबल का वितरण किया। गरीबों को कंबल तकसीम करने में हमारी संस्था ने जो है हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का सहयोग किया, सभी की मदद की। मध्य प्रदेश में हमने अब तक 2000 कंबल बांटे और इन 2000 कंबल बांटने में हमने कोई भी गरीब हो, गरीब तो गरीब होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, सबको हमने नजर में रखते हुए कंबल वितरित किए। पूरे भारत में तकरीबन 40,000 कंबल हमने तकसीम किए और गरीबों के लिए जो भी मदद होती है, जैसे कि राशन किट, फूड किट, स्कॉलरशिप देना या कोई अगर आपदा आ जाए तो उसका रिलीफ का काम करना, हम बिना भेदभाव किए, बिना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देखते हुए कंबल का या राशन किट का या रिलीफ का वर्क ये संस्था करती है। हमारी संस्था 15 सालों से इस काम को अंजाम दे रही है और आगे भी हम और नए नए काम और इस तरह के गरीबों को मदद पहुंचाने के काम करेंगे और करते रहेंगे। इसमें मेरा नाम नौशाद अहमद है, मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का मध्य प्रदेश का कोऑर्डिनेटर हूँ।